गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। गाइस, जैसे कि आपको दिख रहा है हेडिंग में, फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, मतलब हमारे जो बिजनेस सेटअप के जो फंक्शंस हैं, क्या क्या फंक्शंस कंटेन करते हैं वो, ठीक है। तो वी आर हेडिंग इन सिक्स फंक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा ये है एंटरप्रेन्योरशिप फंक्शन, ठीक है। इनमें क्या होगा, ठीक है, ये फाइव चीज़ को कलेक्ट करके आपका ये एंटरप्रेन्योरियल फंक्शन आपका बनता है। तो फर्स्ट पे टेकिंग इनोवेटिव मीन्स, सबसे पहले तो आप बिगनिंग करोगे, ठीक है, रिस्क लोगे आप, ब्रिंग इनोवेशन। इनोवेशन क्या होता है मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो बताया, सो प्लीज़ चेक आउट लिस्ट प्लेलिस्ट ऑफ माय वीडियो एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो और सब्सक्राइब माय चैनल ऑल्सो। अब चलते हैं आगे। ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग मतलब कोई चीज़ को ऑर्गेनाइज करके कुछ बनाना। डिसीजन मेकिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस, बिकॉज डिसीजन मेकिंग अगर आपका सही हुआ तो वो प्लान तो आपका बहुत सक्सेस होगा, गलत हो जाएगा तो आपका बिजनेस ले डूबेगा, राइट। अब चलते हैं गाइस हमारे सेकंड क्वेश्चन पे, जो कि दिया है मैनेजरियल फंक्शन, मींस आपको इसको मैनेज करने का वो दिया गया है, ठीक है। तो गाइस हमारे इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दिए गए हैं, ठीक है। तो देखो, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी, आप घर का ही एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है, आप घर को बिना प्लानिंग के नहीं चला सकते, बिना ऑर्गेनाइजेशन के नहीं चला सकते। स्टाफिंग अगर आपके घर में सर्वेंट्स हैं तो, ठीक है, डायरेक्टिंग सुपरविज़न बहुत ज़रूरी होता है, कंट्रोलिंग ऑल्सो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लीडिंग कोऑर्डिनेशन, मतलब एक ये बिज़नेस में काफ़ी रोल अप करते हैं, ठीक है। अब इसमें तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या करते हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, थर्ड पे। सो गाइस हमारा थर्ड नंबर पे है प्रमोशनल फंक्शन, विच इज़ कंडक्टिंग ऑफ ओनली 3 यूनिट्स ऑफ दिस। सो डिस्कवर एन आइडिया, बिजनेस प्लान, असेंबल द रिक्वायरमेंट। अब आपका बिजनेस आइडिया है, ठीक है, डिस्कवर आपने कोई भी समझ लो उसमें लोगो आपने किया है आपके बिज़नेस का, ठीक है। गाइस हम प्रमोशनल फंक्शंस में बात कर रहे थे। प्रमोशनल फंक्शंस वो होते हैं जो हमारा बिज़नेस को प्रमोशंस तक ले जाता है। अगर हमारा जो बिज़नेस है वो अच्छा डेवलप करेगा तो जो हमारे एम्प्लॉयर्स होंगे उनका प्रमोशन क्यों होगा, क्योंकि बिज़नेस अच्छा चल रहा है, ठीक है। और वो किस वजह से होगा, पहले तो डिस्कवर एन आइडिया, ठीक है, अच्छे अच्छे आइडियाज़ जब आपको मिलेंगे आपके एम्प्लॉयमेंट से तो आपका बिज़नेस अच्छे से ग्रोथ होगा। जब आपका बिज़नेस प्लान सेकंड पे आता है, देखिए आपका कोई चीज़ भी होती है, कोई भी एक्सपायरी कुछ भी होता है, बिना प्लानिंग के एग्जीक्यूट नहीं हो सकते, ये तो आपको पता होगा, ठीक है। अब आपको लास्ट में असेंबल द रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, आपको रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो आपको देखना पड़ेगा, इस बिज़नेस में किस किस चीज़ की आवश्यकता है, नहीं है, और आवश्यकता नहीं है तो उस चीज़ को आपको उस जगह से अलग करना है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है प्रमोशनल फंक्शन में, ठीक है। गाइज अब चलते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट पे, जो कि कमर्शियल फंक्शन है। तो गाइज थोड़ा लॉन्ग नॉर्मल लैंग्वेज में बताती हूँ। देखो, कनेक्टेड विथ बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विस, मतलब जो मार्केट में हमारा सामान आता है, एक शॉपकीपर है, आप एग्जांपल के तौर पे ले सकते हो, उसकी दुकान का सामान है, ख़त्म हो गया है, वो लेने जाएगा, ठीक है, वो लेने जाएगा तो उसका बाय हुआ और उसने आपको दिया तो वो सेलिंग गुड्स हो गया, ठीक है। एंड सर्विस में वो आपको कैसे उसको सर्विस देता है, आपके वो प्रोडक्ट्स कैसे होते हैं, ठीक है। तो अब हमारे इसमें 4 पॉइंट्स हैं, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, पर्सनल एंड अकाउंटिंग, ठीक है। अब इसमें प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके प्रोडक्ट्स कैसे आ रहे हैं, मार्केटिंग, ठीक है, उसके जब प्रोडक्शन आपका अच्छा होगा तो आपका मार्केटिंग जो प्राइस है, सॉरी प्राइस नहीं, रेट है, वो आपको पता चल जाएगा। पर्सनल में तो आप समझ ही सकते हो, अगर आप यूज़ करोगे तो पता चल जाएगा। अकाउंटिंग आपका अकाउंट से रिलेटेड आता है कि आपको कितने आपने पैसे कमाए हैं, कितने नहीं कमाए हैं, ठीक है। गाइज अब हमारा सोशल फंक्शंस में आता है। सोशल फंक्शंस में क्या आता है कि जो कस्टमर की प्रॉब्लम्स होती हैं आप उसको फिक्स कर सके, कैसे फिक्स कर सके। देखो इसमें 2 पॉइंट्स आ रहे हैं आपके, पहले तो फिक्स प्रॉब्लम एंड क्रिएट जॉब, ठीक है। आपके कोई कस्टमर, इनको कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो आप उसकी फिक्स प्रॉब्लम चेंज करोगे, कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है। अगर उनको वो यूज़ में नहीं पता तो आप उसका यूज़ बताओगे, ठीक है। दूसरा, आपकी शॉप में आप खुद वर्क करो, ठीक है, आप ओनर हो शॉप के, आपको किसी चीज़ की हेल्प चाहिए तो आप एक छोटा सा असिस्टेंट रख सकते हैं, कुछ भी आप रख सकते हैं, उसको सर्वेंट एज अ, तो वो आपका क्रिएट जॉब हो जाएगा कि आपने, आपका काम भी हो रहा है उसका, ठीक है, उसका आय का जरिया भी हो जा रहा है, ठीक है।
गाइस फिर सेकंड पे आता है हमारा कम्युनिटी डेवलपमेंट। ठीक है, अब आप एक जैसे आपका एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे आपका बिजनेस है काफ़ी बड़ा हो गया है, ठीक है, तो वो एक कम्युनिटी बन जाता है, एक बड़ा सा ग्रुप बन जाता है जिसके अंडर पे आप काम कर रहे हो, ठीक है, तो उसका डेवलपमेंट भी ज़रूरी है, वो कहलाता है सोशल फंक्शन या सोशल डेवलपमेंट, क्योंकि वो सोशली भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, तो वो उसमें सोशली हेल्प कर रहे हो आप उसको। अब गाइस हमारा लास्ट पे आता है फाइनेंशियल फंक्शंस। ठीक है, फाइनेंशियल फंक्शंस में आपके बेसिकली आपका मनी से रिलेटेड आएगा, तो इसमें हमारे 3 पॉइंट्स है, फाइनेंशियल प्लानिंग, राइज, यूटिलाइज मनी। तो बहुत इजी से वर्ड्स है, आपको इतना तो पता होगा, फिर मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। फाइनेंशियल प्लानिंग में आपका ये आ जाएगा, कोई चीज़ है आपकी, आपके शॉप में वेस्ट पड़ी है तो आप उसको अलग करेंगे, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ है जो आपके शॉप से कस्टमर नहीं परचेस कर रहा है, ठीक है, तो आप उसको मंगवाना बंद करेंगे, तो फाइनेंशियल प्लानिंग कहलाई जाती है। जिस चीज़ का यूज़ नहीं है तो आपको वो चीज़ बंद करनी पड़ती है, ठीक है, और इसका मतलब तो आपको पता ही होगा। अब यूटिलाइज मनी, ये भी आपको पता ही होगा, ठीक है, जो चीज़ आपको चीज़ नहीं चाहिए तो आप उसके लिए पैसे वेस्ट नहीं करेंगे, तो उस चीज़ का क्या मतलब हो जाए, आपने यूटिलाइज़ किया किसको, मनी को, क्यों किया, क्योंकि आपको प्रॉफिट चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और आपको तो पता ही है आपका काम क्या है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो गाइज अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, शेयर भी कर देना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, ओके, बाय बाय।